नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है, किसान बिना किसी मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं, गोदामों में सड़ रहे हैं अनाज। दादरी में लगी आग नागपुर में भी नजर आ रही है। गजल गायक सिरसर पारखी ने अपने गायकों का शाम बनाया। गरीबों को मुफ्त अनाज वितरण। अंधेरी रेलवे स्टेशन परिसर में लायंस क्लब ने सफाई अभियान चलाया। फौजियों ने मनाया गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल का कहना है, किसान बिना किसी मुद्दे के कर रहे हैं राजनीति। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठ टाउन हॉल तो लैके फ्रंट पर जो अपने दुकाना तक इतों तक वी आर टेकिंग इट बैक टू 200 ईयर्स बैक। वो फसाड़ बना के सारे अप इनू असी अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ खर्च 100 करोड़ खर्चे लगे हैं टू मेक इट इज़ अ वेरी बिग एंड अ ब्यूटिफुल डेस्टिने जो टूरिस्ट अट्रैक्शन। ये सारी अपनी हिस्ट्री भी होगी तो इतने सारे फसाड़ बिल्डिंगा लुक लाइटिंग इफेक्ट सारा। सो जिवें इत्थे तुसीं आउंदे हो तुसीं देखदे हो कि एकदम चेंज होया उवें तुसीं अपने टाउन हॉल तो लैके उत्थे तक करांगे फर्स्ट फेज। उहदे बाद फिर हॉल गेट तो नैक्सट फेज भी हॉट गेट तो दस्सदे। एक मिरेकल होया सी पार्लीमेंट दौरान, उहदे बाद जिन्ने भी उन्हें इलैक्शन लग रहे पंजाब च पटियाला असैम्बली जिथे वो पार्लीमेंट जितते सी 5,000 वोट पई सी। तलवंडी साबो जिथे वो इलैक्शन जितते सी उत्थे 7,000 वोट MLA इलैक्शन बाय इलैक्शन च पई सी। सो जिहड़ी है मैं वो समझा नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी की बिकमिंग खास आदमी पार्टी पहले रौला पाते MLA तनखाह किनी है। थोनू पता है आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की किया है? दिल्ली उन्होंने 4 गुना अपनी सैलरीज 400% इनक्रीज करती। तुसी कहिंदे सी लोकपाल, असी सारा गेम आम आदमी शुरू हुई सी लोकपाल से, अज तक दिल्ली से लोकपाल ही बनाया 1.5 साल पाता। जिन्हें उन्होंने कहा असी कोई टैक्स नहीं लवेंगे ऑन सार, उन्होंने टैक्स रेट 10-15% हर चीज इंक्रीज कर। गरीब आदमी तरस रहे हैं दाने दाने को, गोदामों में सड़ रहे हैं अनाज। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब के गोदामों में लोगों को खाने वाले अनाज बुरी तरह से सल गड़ रहे हैं। गोदामों में पड़े अनाज में पड़ गए हैं मोटे मोटे कीड़े और अनाज में से आ रही है बदबू। मुक्तसर जो लोग दादरी में लगी आग की चिंगारी महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर में नजर आ रही है। हमारे संवाददाता सलीम रहमान की रिपोर्ट। पिछले 2 दिनों से राजनीतिक पार्टी द्वारा दादरी को लेकर धरना प्रदर्शन चालू है। नागपुर में AIMIM द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें केंद्र और UP सरकार के खिलाफ नारे लगाए गए। नागपुर प्रेसिडेंट सलीम हक द्वारा अकबरुद्दीन की गिरफ्तारी पर कहा कि अमित शाह और लालू को भी गिरफ्तार होना चाहिए। नागपुर के गजल गायक सिरसर पारखी ने अपने गजलों की शाम बांधी। हमारे संवाददाता अभी खान की रिपोर्ट। नागपुर के गजल गायक सिरसर पारखी ने अपने गजलों की शाम बनाया। सिरसर पारखी 2 बार जीमा अवार्ड में नॉमिनेट होने वाले नागपुर के पहले गायक हैं। जगजीत सिंह की याद में किया गया यह प्रोग्राम नागपुर के लोगों ने बहुत पसंद किया। चीफ गेस्ट में नागपुर के एडिशनल कमिश्नर अनूप कुमार उपस्थित थे। मुंबई के
बोरीवली पश्चिम में कांग्रेस की युवा नेता ने गरीबों को अनाज का वितरण किया। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। मुंबई के बोरीवली पश्चिम के सोनीबाड़ी में कांग्रेस के युवा नेता मेहुल घोसियाली ने की तरफ से गरीबों और असहाय लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण किया गया। मेहुल गोसाई ने 200 गरीब परिवार दीपावली के पर्व पे पहले गेहूं, चावल, दाल और शक्कर मुफ्त में वितरण किया है। स्थानीय लोग ने वर्तमान सरकार के ऊपर बढ़ती हुई महंगाई से काफी नाराज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी है 14 नंबर वार्ड और ऐसा नहीं देखता हूँ कभी काम करने के टाइम पे कि मैं पूरी बोरीवली में काम कर रहा हूँ। आज योगी नगर में आदिवासियों का समूह लगन भी करवाते हैं, वो भी फ्री में करवाते हैं। हम लोग को कुछ भी अब तक की जो भी प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्राम में करते हैं, करते स्पेशली हम लोग अच्छी क्वालिटी के आम पब्लिक को देते, वो भी फ्री में देते हैं। और मेरी आम आदमी और बीजेपी गवर्नमेंट से कहती है और मांग है, ये जब भी मोदी जी आज से 1 साल पहले आए थे और प्रचार कर रहे थे कि मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, मोदी को लाओ, हम सब ने मिलके, तभी मैं भी था और आप लोग भी थे और आम जनता भी थी, हम सब ने मिलके मोदी जी को लाए, फुल मेजोरिटी थी। तभी कोई देखने के लिए नहीं गया था कि मोदी जी बीजेपी से है या कौन सी पार्टी से, अदर पार्टी से, और सबने मोदी जी के वचनों के ऊपर हम लोग ने सब वोट दिए। बहुत खुशी हो रही है, इतना तो मिला है हमको, जो दिया है बहुत अच्छा लगा है। इतना महंगाई में हम लोग खरीद नहीं सकते, तो इतना थोड़ा भी लिया तो अच्छा लगा। हम सरकार क्या कहना चाहेंगे, जो प्याज के दाम, दाल के दाम बढ़ते जा रहे, वो बढ़ते ही जा रहे, तो कम हो रहे हैं, हम लोग को ज्यादा तकलीफ होती है। हम बर्तन घिसने का काम करते तो ज्यादा तकलीफ। मेहुल भाई ने जो भी किया तो अच्छा किया, हम लोग को अच्छा लगा, हर साल ऐसे रहेगा तो अच्छा रहेगा। मुंबई के अंधेरी स्टेशन परिसर पर लायंस क्लब ने सफाई अभियान चलाया जिसमें कांग्रेसी नेता संजय निरुपम ने लिया भाग। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। लायंस क्लब एक समाज सेवी संस्था है जो लोगों की हर संभव मदद में बढ़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। अंधेरी रेलवे स्टेशन और उसके आसपास सफाई का कार्यक्रम किया और साफ सफाई की, जिसके सैकड़ों लायंस क्लब के मेंबर के अलावा कांग्रेसी नेता संजय निरुपम भी शामिल हुए। मोदी जी ने जो स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था वो तो फ्लॉप हो गया पूरी तरह से, बल्कि गंदगी और बढ़ गई है। आज मैं यहाँ पे लोखंडवाला गैलेक्सी के लायंस क्लब की टीम के साथ साफ सफाई के अभियान में शामिल होने आया हूँ। गांधी जी ने पूरी जिंदगी सर्वधर्म संभाव का विचार दिया, सभी धर्मों के बीच समान आदर, समान व्यवहार का विचार दिया। जबकि मोदी जी जिस विचारधारा से निकल के आए हैं वहां सिर्फ नफरत है। उनके विचारधारा में हर जगह बंदिश है, बैन है, बंधन है, किसी के मीट खाने पर ऐतराज, किसी के बीफ खाने पर ऐतराज। जबकि गांधी जी कहते थे कि ये हिंदुस्तान जो है अलग अलग विचारों का एक देश है, इसमें सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार है, जीने की आजादी मिलनी चाहिए। स्वच्छता उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमने जब भी क्लब में डिस्कस कर रहे थे कि कौन आदमी ऐसा आदमी है जिसके बारे में, स्वच्छता के बारे में जो ज्यादा बात करता है, ज्यादा जानकारी है, जैसे काफी सारा जानकारी उन्होंने अभी दिया हम लोगों को, तो हमने सोचा कि संजय निरुपम से और ज्यादा अच्छा आदमी कोई हो नहीं सकता हमको एज ए गेस्ट बुलाने के लिए। और जैसे ही हमने ये प्रस्ताव उनके सामने रखा, और ये 2 अक्टूबर का दिन है जो हमारा फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी का बर्थडे है, तो इसलिए उन्होंने ये हमारा प्रस्ताव कबूल किया और बोले कि हम जरूर आएंगे इसके लिए और स्वच्छता के लिए कभी भी हम तत्पर रहेंगे। अकाल पुरख की फौज ने गुरु रामदास जी का मनाया प्रकाश पर्व। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। अकाल पुरख की फौज की ओर से गुरु नगरी अमृतसर के संस्थापक गुरु रामदास जी का प्रकाश पर्व को बड़ी ही श्रद्धा और सत्कार के साथ मनाया गया। अकाल पुरख की फौज की ओर से मूल मानक शाही कैलेंडर के मुताबिक मनाया गया, जबकि SGPC और श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक यह प्रकाश पर्व 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश पर्व के संबंध में विशाल प्रभात फेरी अमृतसर दूह संगत मूल नानक शाही कैलेंडर के मुताबिक मना हुई श्री दरबार साहब जा रही ने, संगत बड़ा उत्साह, बड़ा चा है मन के सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी बख्शिश की कि अज हर सिख जड़ा है वो गुरु नाल जुड़ना चाह रहा है। तो अज मैं समूह संगत को इस पुरब से बहुत बहुत बधाई देना चाहता। असी अज भी मूल नानक शाही कैलेंडर जोड़ा है वो मानता देने, क्योंकि जोड़ा बिक्रमी कैलेंडर है वो सानू खिता वारा जोड़ता है, सुधियां बदियां जोड़ता है,
असीं उन्हां चों बाहर आ के गुरु साहिब दे परब इक्को दिन इक्को वार इक्को डेट नूं रखना चाहते हैं ताकि जो संगतां दे अंदर कोई कन्फ्यूजन ना रहे। असीं अज भी 2003 दे मूल नानक शाही कैलेंडर मुताबक ही समूह संगतां जिहड़ा उह परब मना रही हैं। आज के लिए बस इतना ही, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं